हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे चावल से टेस्टी नाश्ता। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। 2 कप चावल को हमने रात भर भिंगो के ले लिया है। अब जार में डाल लेंगे, 4 मिर्च डाल लेंगे, 4-5 कली लहसुन का डाल लेंगे और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और 2 चम्मच पानी डाल करके इसे हम इस तरीके से पीस लेंगे। देख लीजिए, इसी तरीके सूखा होना चाहिए, इससे ज़्यादा गीला ना करें वरना बॉल्स अच्छे नहीं बन पाएंगे। अब हमने चावल को कटोरे में निकाल लिया है और 4 उबला हुआ आलू कद्दूकस करके हमने ले लिया है और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। और अब इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और इसमें अब 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। और बेकिंग सोडा डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे डो फॉर्म में अच्छी तरीके से लगा लेंगे। और इसमें हमने 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाला है। और थोड़ा सा लहसुन भी मैं दरदरा करके इसमें और डाल दी हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं लहसुन को। अब इस डो को 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। सब्जियाँ आप और भी ले सकते हैं, आप जो आपको खाना पसंद हो। और हमने इसमें मूंगफली भी डाली है, मूंगफली चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मूंगफली को हमने रोस्ट करके ले लिया था और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। अब देखिए, हम हाथों पर तेल अच्छे से लगा करके इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो इसे इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं, थोड़ा सा चपटा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, इसमें तेल डाल दिया है और तेल हमारी मीडियम गर्म होना चाहिए। और इसी तरीके से हम जितने बॉल्स एक बार में आएंगे कढ़ाई में डाल देंगे। अब हमारा बॉल्स एक साइड से हो गया है, उसे पलट लेंगे और ब्राउन होने तक इसी तरीके से इसे पका लेंगे। तेल को दोस्तों ज़्यादा गर्म ना करें, नहीं वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी हमारी बॉल्स, तो मीडियम ही गर्म रहे। अब देखिए, बॉल्स हमारे सारे तैयार हो गए हैं, इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, अब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। बॉल्स हमारे कितने टेस्टी बने हैं और कितने कड़क हैं देखिए। और इसे हमने दही और सॉस के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।